जिले के 26 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का विरोध शुरू हो गया है। इसे लेकर एक दर्जन से ज्यादा सरपंचों ने विधायक नयनपाल रावत को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इन गांवों को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि अधिकारियों ने गलत तथ्य पेश किए हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर इस समस्या का समाधान कराएंगे। दिखाई दे रहा यह नजारा पृथला विधानसभा के विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत के निवास का है, जहाँ पर पृथला विधानसभा क्षेत्र के अन्य गाँव के सरपंच और ग्रामीण उनसे मिलने पहुँचे हैं। ग्रामीण और सरपंचों ने विधायक नयनपाल रावत को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इन गांवों को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इससे गांवों के विकास पर असर पड़ेगा और ग्रामीणों की रोजी रोटी पर भी बन सकती है। यह फैसला ग्रामीणों और गांवों के पक्ष में नहीं है। वहीं विधायक नयनपाल रावत ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वह किसी भी हाल में उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री हमेशा लोगों का भला चाहते हैं। देखिए, जो नगर निगम हमारा फरीदाबाद है, उसके साथ NIT विधानसभा के कुछ गाँव, तेगाम के कुछ गांव और पृथला विधानसभा के 10 गांव, इनको नगर निगम में जोड़ने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और मैं समझता हूं कि ये एक जल्दबाजी का निर्णय किसी अधिकारी के द्वारा या किसी अन्य नेता के द्वारा लिया गया हो सकता है, क्योंकि नगर निगम में जो पहले भी 40 वार्ड हैं और 40 वार्ड में जितने भी गाँव इसमें, चाहे वो सारण हो, चाहे वो दौलताबाद हो, चाहे वो सीही हो, अजरौंदा हो, उनकी भी जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। और ये गांव जो हैं एक छोटी छोटी रोजी और रोटी चला करके भैंस और पशुपालन, छोटी किसानी खेती, या कभी जिनको जरूरत पड़ती है तो छोटी दुकान खोलकर भी अपना काम चलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहले अगर नगर निगम 40 वार्डों का उद्धार कर देती है, नगर निगम 40 वार्डों का रखरखाव अच्छा कर देती है, वहाँ सफाई कर देती है, अन्य चीज़ों की वहाँ जो कमी है, तो मैं समझता हूँ फिर इसका दायरा बढ़ा दिया जाए। और आज बहुत सारी पंचायतों के प्रतिनिधि इसको ज्ञापन को लेकर मेरे पास आए हैं। मैं निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और मैं ये भी बता दूँ कि मैं निश्चित तौर पर इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ कि किसी भी सूरत में कोई गांव नगर निगमों की परिधि में लाया जाए या उसको बढ़ाया जाए। ये सच है कि जनप्रतिनिधि को भी और यहाँ के अन्य जो नेता हैं या गांवों के प्रतिनिधियों को भी उसमें शामिल करके पूछ लेना चाहिए था कि भाई क्या इससे आपका भला हो सकता है। लेकिन मैं एक बात बड़े स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, किसी भी सूरत में प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता का अहित बर्दाश्त नहीं करते। पारदर्शिता की राजनीति करते हैं, संतों की राजनीति करते हैं और भलाई की राजनीति करते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो हुई है, या तो उन्हें समझाने में, बताने में किसी ने कोई ऐसी जल्दबाजी की है जिससे ये निर्णय जल्दबाजी में लिया गया। निर्णय मानता हूँ मैं इसको, और निसंदेह मैं चाहता हूँ कि भाई किसी भी सूरत में और ख़ास तौर पर पृथला क्षेत्र के 10 गाँवों को इसमें शामिल नहीं होने दिया जाए, ना किया जाए, क्योंकि गाँवों के लिए बहुत नुकसानदेह है। कृष्ण पाल यादव, ग्राम पंचायत मलेना से सरपंच। जो हमारे जो 26 गांव लिए हैं सरकार ने नगर निगम में, पहले तो जो पहले गांव लिए हुए हैं उनकी कोई साफ सफाई नहीं, बहुत गंदा रहता है। हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, रोज देखते हो गए आप लोग भी, मटका फोड़ प्रदर्शन होते हैं नगर निगम में। हमारे गांव में क्या है कि सरपंच के पास कोई भी फ़ोन करता है, पानी की समस्या होती है, उसका एक घंटे में निदान हो जाता है। साफ़ सफाई है, कोई गली ख़राब है, नाली ख़राब है, सरपंच तुरंत करा देता है। नगर निगम के तो धक्के खाने पड़ेंगे हमें, और वो एक काम एक घंटे के बजाय वो एक एक महीने में, दो 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 महीने में होगा। हमें कोई फ़ायदा नहीं है नगर निगम में जाने से। हमारी पंचायतें समक्ष हैं अपने विकास कराने में गाँव के। आगे का कदम यही है, हम अपने माननीय विधायक जी के पास आए हैं, मंत्री जी के पास आए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे उनके साथ। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं, और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।